नमस्कार महप्रिया, आज है 6 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड इंटर के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए बनाई जाएगी नई रणनीति। बिहार में जाति आधारित गणना के लिए होगा अलग सेल। पीएम मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर बिहार में भी कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। सबसे कम उम्र में 10,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने जो रूट। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड इंटर के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। बिहार बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इंटर नामांकन 2022-23 सत्र के लिए छात्रों को भरपूर समय मिलेगा। बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड की तरफ से आवेदन की 2 बार तारीख जारी की जाएगी। इतना ही नहीं, अब एक बार बिहार बोर्ड के छात्र और दूसरी बार CBSE और CIESE के 10वीं पास छात्रों के लिए 11वीं में नामांकन की तारीख जारी की जाएगी। बोर्ड की माने तो चूंकि CBSE और CIESE 10वीं बोर्ड रिजल्ट जून अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में जारी करेगा, ऐसे में CBSE और CIESE के छात्रों के लिए अलग से तारीख जारी की जाएगी। खुल गया देश का चौथा फूड लैब, 15 मिनट में फूड आइटम्स की होगी जांच। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चौथा फूड लैब बिहार में खुल गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये फूड लैब बिहार के रक्सौल में रविवार से शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। सबसे खास बात यह है कि बिहार में खुलने वाला ये फूड पार्क देश भर में खुलने वाला चौथा फूड पार्क है। बिहार में पहले 3 लैब कोलकाता, गाजियाबाद और मुंबई में थे। इस लैब के खुल जाने से ही लैब में पेय पदार्थों के सैंपल की मानक के अनुरूप जांच होगी। यहां सब्जी, फल, गेहूं, चावल के अलावा तेल और अन्य लिक्विड पदार्थों की भी जांच की जा सकेगी। शुरुआती तौर पर बिहार से नेपाल जाने वाले पदार्थों की जाँच की जाएगी। इसके बाद राज्य भर के नमूने की जाँच भी की जाएगी। नौकरी की दुर्गति, CTET पास युवक ई रिक्शा चलाने पर मजबूर। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, ऐसे में इन दिनों स्वरोजगार की भी खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच बेगूसराय में पढ़ लिखकर नौकरी नहीं मिलने पर स्वरोजगार को अपनाने वाले एक ऐसा ही युवक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मोहम्मद जहांगीर नामक ये युवा CTET पास है। वो अपनी डिग्री को तगमे के रूप में लटकाकर ई रिक्शा चलाने का काम कर रहा है। CTET डिग्रीधारी जहांगीर पिछले 2 महीने से ई रिक्शा चला रहा है, अपना और अपने परिवार का पेट पालन भी करता है। शुरू में ये काम उनके लिए बेहद ही हास्यास्पद था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ सामान्य हो गया। इस संबंध में जहांगीर बताते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और अपनी पढ़ाई पूरी की थी और CTET के एग्जाम में पास भी हुए थे, लेकिन अब स्थिति कुछ और है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए बनाई जाएगी नई रणनीति। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार अग्रसर होकर काम कर रही है। इतना ही नहीं, इसमें अब केंद्र सरकार की तरफ से भी तैयारियां की गई है, जिसके बाद ही अब जिला प्रशासन की तरफ से एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें नदी की स्वच्छता और पर्यावरण युक्त बनाने से संबंधित कार्य योजना होगी, जिसकी जानकारी DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दी है। हाल ही में DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जिला गंगा समिति की बैठक की गई थी। इसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उत्थान, संरक्षण और अविरल प्रवाह के साथ किए जाने वाले प्रयास की समीक्षा की गई। कार्य योजना के अनुसार नदी क्षेत्र, विशेष नगर निगम, नगर निकायों के क्षेत्र में सफाई का अनुपालन किया जाएगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने सीनियर फैकल्टी, जूनियर फैकल्टी के कुल मिलाकर 138 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MCA, BCA, BIT, BSc, BE, BTech, MSc, MCM, CS, IT, कंप्यूटर प्रबंधन के साथ या कंप्यूटर और CAM में A या O लेवल सर्टिफिकेट में डिप्लोमा के साथ 12वीं कक्षा पास, DTP कोर्स या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 1 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nielit.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना के लिए होगा अलग सेल। बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। इसी बीच अब बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर सरकार की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है। एक दो दिन के अंदर बिहार में जाति आधारित गणना के लिए अलग से सेल अस्तित्व में आ जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है, इसलिए यह सेल सामान्य प्रशासन विभाग की देखरेख में काम करेगा। यानी कि अब जल्द ही इसके लिए सचिवालय परिसर में अलग से कार्यालय तैयार किया जाएगा। तब तक ये सेल सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय से ही काम करेगा। पीएम मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर बिहार में भी कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के लगभग 8 साल पूरे हो जाने के बाद बिहार में भी बीते दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने के मौके पर वार्ड नंबर 56 में निगम पार्षद किस्मतिया देवी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बलराम मंडल के नेतृत्व में बीते दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, अटल पेंशन योजना, बिहार सरकार छात्रवृत्ति योजना, उच्च प्रवाह बोरिंग एवं कई पक्की सड़कों का उद्घाटन किया गया। साथ ही कई सड़कों का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब के भाजपा विधायक नंद किशोर यादव और पटना की मेयर सीता साहू समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे थे। सीएम नीतीश ने अमर प्रेम भवन का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पटना के शक्तिधाम अग्रसेन मार्ग स्थित श्री दादी जी सेवा समिति के नवनिर्मित अमर प्रेम भवन का शिलापट अनावरण कर लोकार्पण किया। इस दौरान ही अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा, विधान पार्षद ललन सराफ, अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पी के अग्रवाल, अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव अमर अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यूपीएससी ने बदल दिया विकल्प का पैटर्न। बीते दिन देश भर में यूपीएससी एग्जाम का आयोजन करवाया गया था, हालांकि इस बार के पेपर ने बच्चों को काफी उलझाया। मिली जानकारी के अनुसार एग्जाम में इस बार स्टूडेंट्स विकल्प के पैटर्न में उलझ गए। परीक्षार्थियों ने बताया कि सवाल तो कोई नया नहीं आया, लेकिन जवाब के विकल्प का ट्रेंड थोड़ा परेशान करने वाला रहा। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा। जीएस में छात्रों को इकोनॉमिक्स और प्राचीन इतिहास में कई सवाल मिले और काफी परेशान करते देखे गए, जबकि सीसैट के पेपर में गणित के प्रश्नों को ऐसा घुमावदार बनाया गया कि कई सवाल छूट गए। कई छात्रों का तो ये भी कहना था कि पहली बार इतने कठिन सवालों को मिलाकर पेपर तैयार किया गया है। विदेश जाने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड रखेगा श्रम संसाधन विभाग। हर साल बिहार से बाहर जाने वाले मजदूरों की तादाद काफी अधिक होती है। हालांकि अब तक तो कितने मजदूर जा रहे हैं कितने नहीं इसका आकलन कर पाना तो आसान नहीं था, लेकिन अब राज्य के कितने मजदूर किस काम से विदेश जा रहे हैं इसका डेटा जिलों में संग्रहित किया जाएगा और इसका रिकॉर्ड श्रम संसाधन विभाग में रखा जाएगा। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने वाले श्रमिकों के वर्गीकरण की सुविधा को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार के मुताबिक निबंधन कराने वाले राज्य के सभी श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार होगा, ताकि विभाग को भी इसकी जानकारी रहे कि बिहार से कितने लोग इस राज्य में काम कर रहे हैं। अप्रवासी मजदूरों की तरह ऐसे लोगों का भी डेटा संग्रहित होगा। विदेश में काम करने के लिए जाने वाले बिहारी मजदूरों की परेशानियों को हल करने के लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर भी शुरू होगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शेखर सुमन की। बिहार के शेखर सुमन टेलीविजन का एक जाना माना चेहरा है। शेखर सुमन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1984 में फिल्म उत्सव से की थी। इस फिल्म में उनके साथ रेखा और शशि कपूर लीड रोल में थे। इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन उन्हें असली पहचान बाद में छोटे पर्दे पर मिली। वो छोटे पर्दे पर मूवर्स एंड शेखर्स के होस्ट के तौर पर नजर आए। इस प्रोग्राम में उन्हें पहचान मिली। इसके बाद इन्होंने चोर मचाए शोर, नाच मयूरी, हार्टलेस जैसी कई फिल्मों में काम किया। टेलीविजन पर इन्होंने अपना करियर 1993 में देख भाई देख से शुरू किया। टेलीविजन पर इनके शोज सिंपली शेखर, मूवर्स एंड शेकर्स, मसाला मार के काफी मशहूर रहे। इन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो, लाफ इंडिया लाफ, कॉमेडी सुपरस्टार जैसे शोज को जज भी किया है। 5 वर्षों में देश की सेहत में करेंगे सुधार। बिहारवासियों को सेहत के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सहयोग करने की बात कही है। इसके तहत ही रविवार को एम्स पटना पहुंचकर उन्होंने कहा कि देश के सभी जिलों में चिकित्सीय देखभाल के लिए आधारभूत संरचना मजबूत करने की योजना तैयार कर ली गई है। 5 साल में इस बार 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पटना एम्स में उन्होंने क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला रखी। कहा कि आईसीयू में बेड पर इलाज के दौरान ही एमआरआई, सिटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स पटना की समीक्षा बैठक के बाद नवनिर्मित 2,000 सीट की क्षमता वाले शैक्षणिक सभागार और आवासीय परिसर का लोकार्पण किया। बिहार में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। बिहार में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अभी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस समय राजधानी पटना समेत कई राज्यों में तापमान में गिरावट के बाद भी बीते दिनों मजभरी गर्मी से लोग परेशान रहे। पटना में तापमान करीब 4 डिग्री का गिरावट देखने को मिला। इसके बाद भी उमस बरकरार रही, जबकि दक्षिण बिहार के जिलों में तापमान में वृद्धि होने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में मध्यम बारिश से तापमान में कमी आई है। अररिया और कटिहार समेत कई जिलों में तापमान कम दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को भी सूबे का मौसम तल्ख रहा। उमस से लोग परेशान रहे। बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। बिहार में कोरोना के मरीजों में लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 11 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 74 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 9, सहरसा में 1 और सीतामढ़ी में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 81,415 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 5 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं।
सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म बनाने को लेकर हुई ठगी। बिहार से निकले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म बनाने की चर्चा खूब होती रही है। इसी बीच अब उनके ही नाम पर बनी फिल्म को लेकर बड़ी ठगी सामने आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। इसमें अभिनेता सुशांत के नाम पर एक फिल्म बनाने के बहाने 8 लाख रूपये की ठगी की गयी। इस मामले में एक होटल के मालिक ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा नोएडा के थाना सेक्टर 39 में दर्ज करवाया है। तेजस्वी ने जारी किया नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसके तहत ही रविवार को पटना के ज्ञान भवन में संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर आयोजित महागठबंधन प्रतिनिधि सम्मेलन में महागठबंधन के नेताओं ने नीतीश सरकार के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस सम्मेलन में महागठबंधन से वामपंथी पार्टियां सीपीआई के डी राजा और सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई अन्य नेता भी शामिल हुए और राज्य एवं केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। कार्यक्रम में संपूर्ण क्रांति पर वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपना संदेश दिया। लालू ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हम सब ने अपने आप को सांप्रदायिक शक्ति के आगे झुकने नहीं दिया। सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री आवास में लगाया दूधिया मालदा आम। बीते दिन पर्यावरण दिवस के मौके पर बिहार में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ही बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में दुधिया मालदा आम का पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण करते हैं। इस दौरान ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम हर साल पौधारोपण करते तो आए ही, और इस साल दुधिया मालदा के पौधे का रोपण किया क्योंकि पटना में दुधिया मालदा आम की प्रजाति घट रही है, ऐसे में इसका संरक्षण जरूरी है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण से जलवायु परिवर्तन के असर को कम किया जा सकता है। एनडीए में घुटन महसूस कर रहे हैं मांझी। विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए में चल रही रस्साकसी अब सामने आने लगी है। खबर के अनुसार जीतन राम मांझी विधान परिषद चुनाव में एक सीट चाहते हैं। किशनगंज में आयोजित अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए मांझी ने भी यही संकेत दिए हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि वो मौजूदा गठबंधन में घुटन महसूस कर रहे हैं। मांझी के कहने का सीधा मतलब यह हुआ कि वो एनडीए गठबंधन के साथ सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। मांझी ने दो टूक लहजे में कहा है कि मौजूदा गठबंधन में कई ऐसी बातें हो रही हैं जिसे लेकर घुटन महसूस हो रही है। विधान परिषद चुनाव सामने है और हमें ये सोच समझ कर फैसला करना होगा कि हमारे किसके साथ रहने से क्या नफा और नुकसान होने वाला है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी ने मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे के फैसले को भी गलत करार दिया है। लालू यादव ने की सभी दलों से एकजुट होने की मांग। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बिहार में एंट्री के साथ ही सियासी पारा गर्म हो गया है। इसी बीच बीते दिन लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान में फिर से चर्चाओं के बाजार को गर्म कर दिया है। ज्ञात हुआ कुछ यूं कि बीते दिन उनका 3 मिनट का वीडियो संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाईचारा खत्म करने की साजिश की जा रही है, देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। लालू ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ाई की अपील की, कहा कि एकजुट होकर लड़े, पीछे नहीं हटना है। आरोप पत्र जारी करते हुए तेजस्वी ने उसे सरकार के लिए आईना बताया और इसके साथ ही आरोप पत्र में कुर्सी को कमल के तने से बांधकर मुख्यमंत्री को बेबस दिखाया गया। दोनों हाथ में आरएसएस और जदयू के निशान दिखाए गए। हिम्मत है तो अपने राज की रिपोर्ट भी देख लेते तेजस्वी। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के नीतीश सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिसके बाद से ही सरकार की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है, जिसके तहत ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि राजद को पहले लालू राबड़ी राज के उस 15 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए जब प्रदेश में अपहरण एक उद्योग बन गया था और अपराधियों के डर से बाजार शाम के बाद बंद हो जाते थे। राजद के राज में चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला और बीएड डिग्री घोटाला हुआ करते थे, जबकि आज घोटाले बाजों के परिसरों पर छापे पड़ रहे हैं। एनडीए सरकार में एक भी घोटाला नहीं हुआ है। शेखपुरा के कुसैढ़ी गांव का पंचमुखी शिवलिंग में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुसैढ़ी गांव में स्थापित पंचमुखी शिवलिंग अपने आप में अद्भुत शिव मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित ये शिवलिंग लोगों के बीच आस्था का केंद्र है। इस अति दुर्लभ और प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का दर्शन करने के लिए शेखपुरा जिला के अलावे पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। यह अपनी मन्नतों को पूरा करने वाले भगवान शंकर का एक प्रतिरूप में सर्वमान्य है। यहाँ हर महीने सोमवार को अच्छी खासी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है, परंतु सावन महीने के हर सोमवार पर यहाँ हजारों की तादाद में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। लोगों की मान्यता है कि इस पंचमुखी शिवलिंग से वंश वृद्धि के साथ सौभाग्य की रक्षा और वैवाहिक आकांक्षा पूरी होती है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। शिवाजी महाराज का 1674 में रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक और साथ ही उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। बिहार की बागमती नदी में 1981 को एक ट्रेन गिर गई, जिससे उसमें सवार 1000 लोगों में से करीब 800 की जान चली गई। बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने 1997 में बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया।
भारत की पहली जोड़ी लियांडर पेस और महेश भूपति ने टेनिस का ग्रैंड स्लैम 1999 में जीता। हिंदी भाषी के साहित्यकार गिरिधर शर्मा नवरत्न का जन्म 1881 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध एथलीट गुरबचन सिंह रंधावा का जन्म 1939 में हुआ। दिल्ली के सातवें मुख्यमंत्री और भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का जन्म 1968 में हुआ। कर्नाटक के आठवें मुख्यमंत्री डी देवराज अर्स का निधन 1982 में हुआ। सबसे कम उम्र में 10,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने जो रूट। इंग्लैंड के स्टार बल्लेबाज जो रूट ने रविवार को पहले टेस्ट में नाबाद 115 रनों की मैच विजयी पारी खेली और इसके साथ ही केवल उन्होंने अपनी टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट से जीत तो दिलाई ही बल्कि टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन भी पूरे कर लिए। रूट के अब 118 टेस्ट में 10,015 रन हो गए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले 14वें खिलाड़ी बन गए हैं। रूट इंग्लैंड की तरफ से दूसरे 10,000 ही बने हैं। उनसे पहले एल्स्टर कुक 161 टेस्ट में 12,472 रनों के साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी थे। बिना इंटरनेट चुटकियों में करें यूपीआई पेमेंट। आप जो भी यूपीआई पेमेंट मेकिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे ये कहें कि आप बिना इंटरनेट कनेक्शन और यहां तक कि बिना स्मार्टफोन के भी यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पेमेंट कर सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई 123 पे नाम की एक पहल लेकर आया है जो फीचर फोन का उपयोग करने वाले लोगों को बिना इंटरनेट के पेमेंट करने की सुविधा देता है। अब एक्टर सलमान खान को भी मिली धमकी। हाल ही में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के बाद अब सलमान खान को भी जान लेने की धमकी मिल रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एक्टर सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी मिली है। मामले में मुंबई की बांद्रा पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सलमान खान और उनके पिता सलीम खान के नाम किसी अनजान शख्स ने धमकी भरा लेटर भेजा है। जानकारी के अनुसार एक धमकी भरे लेटर को रविवार को बांद्रा के एक बैंड स्टैंड में पाया गया था। इस लेटर में सलीम और सलमान को धमकी दी गई है। लेटर सलीम खान के गार्ड को उस जगह मिला था जहां सलीम अपनी मॉर्निंग वॉक के बाद जाकर बैठते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सुजीत कुमार, पंकज सिंह, रंजीत मिश्रा, नवीन कुमार, मंडन यादव, संजय कुमार, पवन अंगारा, राजू राज, रूपेश कुमार, प्रकाश कुमार, राजीव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार के IPL में सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा लगा, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।